रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला का तो घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन बीच में थोड़ी शांति थी, ये दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है और इस बार रश्मि ने सिद्धार्थ के बारे में कहा है कि गुंडा कभी कैप्टन नहीं बन सकता। दरअसल बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया था कि उन्हें घर से उन दो सदस्यों का चुनाव करना है जिन्हें वो चाहते हैं कि उन्हें कैप्टनसी कभी न मिले, उन्हें हमेशा के लिए निलंबित कर दिया जाए, जिनकी वजह से आज घर में राशन को लेकर इतनी परेशानी है। तो यहाँ पर रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेती हुई नजर आती हैं और वो कहती हैं कि वो एक बेहद ही खराब कैप्टन हैं और जिस तरीके की वो गुंडागर्दी करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि एक गुंडा कभी इस तरीके से कैप्टन बन सकता है। उसके हर एक डिसीजन किसी के भी हक में नहीं थे और कोई भी उसकी कैप्टनसी से खुश नहीं है। आज घर में जो भी हालात है, जैसी भी कंडीशन है, वो सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से है। सिद्धार्थ इस दौरान रश्मि की बातों पर हामी भरते हुए नजर आते हैं और साथ ही इन दोनों का यहाँ पर झगड़ा भी हो जाता है। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।